समन, तुम्हारा फेवरेट कलर है ये। था, कपड़ा भी इतना हल्का है। तुम्हारे लिए तो खाला ने बड़े अच्छे और कीमती कपड़े लिए हैं, मेरे लिए कितना फजूल सा सूट लिया। उसकी तो मंगनी के कपड़े हैं समन, उनकी यही बड़ी मेहरबानी है कि वो हमारे लिए भी जोड़े ले आई हैं। अम्मी, ऐसे कपड़े लाने से तो बेहतर था खाला कुछ ना लेकर आती। अच्छा समन, तुम्हें जो भी अच्छा लगता है ना तुम ले लो। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सारे जोड़े मैं तुम्हारे जहेज में रखूंगी। ये भी रख लो, मुझे नहीं चाहिए। अच्छा नाराज मत हो समन, मैं तुम्हें खुद अच्छा सा जोड़ा ला के दे दूंगी। रिंग दिखाओ। अंगूठी। ये लो। अरे उतारी क्यों हाथ से, वैसे ही दिखा देती। कुछ नहीं होता अम्मी, अच्छी है ना। बहुत महंगी है। चार पैसे खाला और डालती हैं तो डायमंड की रिंग आ जाती। सामान ये भी बहुत है, लेकिन डायमंड तो डायमंड होता है ना। अच्छा बस अब ये खाला को ना कह देना तुम। मुझे क्या जरूरत है, ऐसी कह रही है वो अम्मी। सुनो अमन, अपने सारे कपड़े उठाओ, समेट के अलमारी में रखो, मैं खाना लेके आती हूँ तुम। ब्यूटीफुल रिंग, दिखाओ। नहीं लिए क्या? वेल, रिंग तो नहीं है लेकिन मैंने बनवाई नहीं। फिर किसी ने दी है। किसी ने दी क्या मतलब? टेक अ गेस। Somebody proposed you? Yes. Oh my God. Wow. किसे किसे यार? इब्राहिम। इब्राहिम। कैसे? Well, actually, मुझे खुद भी उसकी feelings का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। I mean, he took me by total surprise. तो दोनों की तरफ से, दोनों खानदानों की तरफ से बात हुई है। हाँ हाँ, कल रात को उसके parents आए थे बाकायदा ring लेकर। I mean, even my parents were shocked. बिल्कुल सब कुछ एकदम अचानक से हुआ। मैं तो सोच रही थी कि तुम्हें और इब्राहिम में ऐसा कुछ नहीं है। एक बात बताऊं, मोहब्बत होते हुए ना देर नहीं लगती। ठीक है, और प्यार देर। तुमने मुझे मुबारकबाद नहीं दी। ओह या, कांग्रेट्स। थैंक यू सो मच। एक बात बताऊं, अगर इब्राहिम के साथ मेरा रिश्ता नहीं हुआ होता ना तो मैं जरूर तुम दोनों को हुकअप करा देती। शादी कभी तुम दोनों की? कुछ महीनों के बाद है, अभी तो डेट ही नहीं फिक्स हुई, लेकिन जैसे ही हमारी डेट पक्की होगी ना
सबसे पहले तुम्हें बताऊं। क्लास शुरू हो गई, चले। हाँ मखाई, इतना तकल्लुफ किया आपने आपा। हमारा तो रोज का आना जाना है, इतनी सारी चीजें आपने मंगा ली। मैं थोड़ी लेकर आई हूँ, फैसल लेकर आया है। तो फैसल को मना करना था ना आपने, अब मैं को गैर थोड़ा ही हूँ। मैं क्यों मना करती भाई, खुशी से लेकर आया, खाओ खाओ। आपा वो फैसल खुश तो है ना? लो कैसी बात कर दी तुमने, खुश क्यों नहीं है, तुम्हें नहीं खुश लगता वो? नहीं नहीं लगता है मुझे भी, अब बस वो खुश है भाई, मर्द ऐसे ही खुश होते हैं बस। और वैसे भी वो आजकल अपनी फैक्ट्री शुरू करने में लगा हुआ है ना, उसकी तैयारियां कर रहा है। फैक्ट्री? कैसी फैक्ट्री? अरे वो एक दोस्त के साथ मिलके गारमेंट फैक्ट्री लगा रहा है अपनी। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी बड़ी खुशखबरी आपने बताया नहीं पहले। अभी बस पिछले हफ्ते ही तो सब कुछ तय हुआ है। और मेरी एमन की किस्मत देखो, यहाँ उसके रिश्ते की बात तय हुई और वहाँ फैसल की फैक्ट्री का काम शुरू हो रहा है। बस आपा, अल्लाह हमारे दोनों बच्चों को नजर बद से महफूज। आमीन आमीन सुम आमीन। खाओ ना, सब कुछ वैसे का वैसा रखा हुआ है तुम्हारी प्लेट में, खत्म करना है। हाँ आपा ले रही हूँ, जितना खाया जाएगा उतना ही खाऊंगी ना। आज तुम्हें ये सब खत्म करके जाना है भाई। जी खा रही हूँ। एक बात बताओ, अगर इब्राहिम के साथ मेरा रिश्ता नहीं हुआ होता ना, तो मैं जरूर तुम दोनों को हुकअप करा लेता। दश्त था सहरा था, तन्हाई थी वीरानी थी, अपने भी अपने। Somebody propose you? Yes, wow, six यार, इब्राहिम थी, हो बेवफाई मुसलसल जो मेरे साथ हुई। जीत उसकी हुई और मुझे मात हुई, मात हुई, मात हुई, मात हुई। अम्मी कहाँ? अम्मी खाला के यहाँ गई हैं, खाना लगा दूँ? मुझे भूख नहीं है। आ
कपड़े धोता है, मोची जूता सीता है, कुर्सी मेज पलंग अलमारी ये सब पर ही बनाता है, अपने मोहल्ले का जाम सबके बाल बनाता है, और दुकान ये जो अच्छी कसाई की है दुकान वो यहाँ पर मिलता है, और दुकान हलवा है की हर एक शॉप से पाता है, ताकि अपने गाँव में उसको घर पर जाता है, रात को जाके पहले गलियों गलियों फिरता है, वो कमार है जो मट्टी से हंडी कड़े बनाता है। ऐसा करते हैं कि छुट्टी करते हैं आज, हाँ कल जल्दी बुला लूंगी आप लोगों को, फिर हम कल ही पढ़ लेंगे। क्या बात है समन? कुछ नहीं। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? कपड़े भी नहीं बदले तुमने? सर में दर्द हो रहा है। बुखार तो नहीं हो गया? नहीं शुक्र नहीं है। चाय ला दूं? नहीं मुझे नहीं पीनी, मुझे नींद आ रही है। डिस्प्रिन ला देती हूँ। मुझे वो भी नहीं खानी, प्लीज मुझे आराम करने दो। हाँ ठीक है तुम आराम करो, बच्चों को भी भेज दिया मैंने, दरवाजा बंद कर देती हूँ, आराम से सो जाओ ठीक है। यार तुम्हारी बात तय हो गई है, तुमने मुझे बताया तक नहीं, हम लोग पार्टनर्स हैं। यार कोई इतना बड़ा फंक्शन नहीं था, खाला जान की अगर अम्मी गई अंगूठी पहना के आ गई, अब खाला जान मेरी तरफ आएंगी अंगूठी पहना देंगी। फिर भी यार मेरा और सालिया का इतना हक तो बनता था कि तुम लोग हमें घर पे बुलाते, गैर वाला सलूक किया तुमने हमारे साथ। शादी में इंशाल्लाह गिला दूर कर लेना ठीक है। वैसे असली गिला तो मुझे आंटी से करना है, उन्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए था, वो क्यों भूल गई? तो आंटी से जाके गिला कर लो। बस आ रहा हूँ कल मैं। तो आ जाओ भाई, पूछने की क्या जरूरत है, अब तो तुम पार्टनर हो। लेकिन पार्टनर मेरा सलूक नहीं हुआ मेरे साथ, बस ये मैं भूलूंगा नहीं। ओके यार एवन बेटा समन को तू जगा देती, शाम हो गई है। अम्मी सोने दे उसे, थकी हुई थी, उसके सर में भी दर्द था। तो आ गई तुम, मैं अभी तुम्हारा ही पूछ रही थी अमन से। सर का दर्द कुछ बेहतर हुआ? पहले से आराम है। ये सब कौन लेकर आया? ये सब चीजें तो आपा ने जबरदस्ती कर दी मेरे साथ, निशानी करने गई थी ना मैं आज, क्या क्या कुछ उठा के ले आया फैसल, और आपा ने सब कुछ मेरे साथ कर दिया कि समन और एमन खा ले। मुझे तो याद ही नहीं था कि आपने आज निशानी करने जाना था। फैसल खुश है? हाँ क्यों खुश नहीं होगा, खैर से नई फैक्ट्री लगा रहा है वो। फैक्ट्री? हाँ बेटा माशाल्लाह एक बिजनेस पार्टनर मिल गया है उसे, सारा पैसा वो ही लगा रहा है। पापा तो इतनी खुश थी, कह रही थी कि ये सब कुछ मेरी एमन के नसीब से हुआ है, इससे रिश्ता उनके लिए मुबारक साबित हुआ है। अरे तुमने प्लेट क्यों रख दी समन? बहुत तीखा है समोसा। फैक्ट्री 2 दिनों में नहीं लग जाती अम्मी, बहुत टाइम लगता है, और फिर कारोबार चलने में सालों लग जाते हैं। अल्लाह करेगा सालों नहीं लगेंगे बेटा, जब अल्लाह ने रिस्क देना होता है ना तो किसी को पता ही नहीं चलता कहां कहां से सबब बना देता है। Thank you.
समन, तुम इतनी परेशान क्यों हो? नहीं, कुछ तो है। तुम कभी भी इतनी खामोश नहीं हुई यार। वो मैंने तुम्हें बताया था ना प्रपोजल के बारे में, जो इरशा ने कहा था। हाँ, उस लड़के का निकाह हो गया। ओहो, तो तुम इसलिए परेशान हो? तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, कितनी बेइज्जती की बात है। भला ऐसे भी होता है, पहले खुद बात की और अब ऐसे भूल गई जैसे कोई बात ही नहीं है। फ्लास रेमिक्स के लड़के के साथ रिश्ता हुआ है, लड़की एरिज़ोना यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। जैसे मैं कुछ हुई नहीं। समन, मेरी बात सुन। देखो, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। देखना, इंशाल्लाह तुम्हारा रिश्ता एक बहुत अच्छी जगह पर होगा। और वो शैला, उसका कजन मुझमें इंटरेस्ट ले रहा था, मैडम ने फौरन अपनी मंगनी करा ली। इतनी इनसिक्योर है ना मेरी दोस्त से, मुझसे चाहती नहीं किसी अच्छी जगह पे शादी हो मेरी। अरे तुम इस तरह क्यों सोचती हो? ये सब किस्मत की बातें हैं। अगर तुम्हारी यहाँ होनी होती ना तो हो जाती, और अब अगर नहीं हुई है तो इसलिए कि तुम्हारी बहुत बेहतर जगह पर रिश्ता होगा। तुम देखना। हाँ हाँ, मैं अच्छी जगह पर करूंगी, इनसे अच्छी जगह पर करके दिखाऊंगी। समझती क्या खुद को? और वैसे भी दोस्त वोस्त कुछ नहीं होते, मुझे पता चल गया है। सब अपने अपने मतलब के होते हैं। इसीलिए तो मैं तुम्हें रोकती थी इतनी सारी दोस्तियां करने से। देखो, जहाँ बहुत आना जाना होता है ना, वहाँ मसाइल भी बहुत होते हैं। मगर तुम फिक्र मत करो, बहुत अच्छी जगह शादी होगी तुम्हारी। मैं शैला को कभी माफ नहीं करूंगी। समन, उसका कोई कसूर नहीं है। उसके कजन को अगर तुम में दिलचस्पी होती ना तो वो कभी भी शैला से मंगनी ना करता। उसने शैला से मंगनी की ही इसलिए क्योंकि उसका उसमें इंटरेस्ट था। तो तुम्हें क्या लगता है, मैं झूठ बोल रही हूँ? मैंने ऐसा कब कहा? ये शैला ने कोई गेम खेली है मेरे साथ। अच्छा छोड़ो इन बातों को, भूल जाओ बिल्कुल। दिल साफ रखो अपना। टीवी देखें थोड़ा सा? चलो टीवी देखते हैं। अच्छा सा ड्रामा लगा होगा ना। चलो। आंटी, ये कुछ चीजें भाभी के लिए। अरे बेटा, इसकी क्या जरूरत थी सालिया? देखो, शादी का मौका होता तो और बात थी, अभी तो सिर्फ बात तय हुई है। अरे फिर क्या हुआ, हमारी खुशी की बात है। अरे भाभी की क्या जरूरत है भाई, तुम्हारे लिए गिफ्ट्स लाए थे तो भाभी के लिए तो लाए थे ना। अगली बार जब हम आएंगे तो आप हमें भाभी की तरफ लेकर जरूर जाइएगा। हाँ जरूर, इंशाल्लाह, पास ही है उनका घर। अच्छा, आप लोगों ने तस्वीरें नहीं बनाई? नहीं भाभी, वो हमने तस्वीरें नहीं बनवाई, कोई फंक्शन तो किया ही नहीं था हमने। बस अम्मी खाला जान के घर चली गई थी और बात तय करके आ गई। इसका मतलब है कि भाभी से मिलने का मौका उनके घर जाके ही मिलेगा हमें। बस तो फिर ठीक है, अगली बार हम उनके घर जाने के लिए आएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आफिया बहुत खुश होगी आप लोगों से मिलके। अब आंटी ये छोटा सा गिफ्ट है आपके लिए। बहुत ही आप लोगों ने बिल्कुल जरूरत नहीं थी इन सब चीजों की। बहुत खूबसूरत और बहुत कीमती है माशाल्लाह। थैंक यू। तुम खुश हो ना? पता नहीं क्यों, बस समझ में नहीं आ रहा कि ये सब हो गया। पर ऐसा क्यों? कोई चीज हाथ से निकलते निकलते रह जाए तो जैसा लगता है वैसा ही लग रहा है। पर तुम्हें पता है मैं बहुत खुश हूँ। मैंने बहुत दुआएं की थी कि तुम्हारी शादी फैसल से ही हो। शायद तुम्हारी दुआएं ही लग गई हैं। अच्छा ये बताओ, फैसल से बात हुई? नहीं,
होनी तो चाहिए। अभी दिन ही कितने हुए हैं? वो तो खुश है ना? हाँ, खाला अम्मी तो यही कहती हैं, मगर मगर क्या पता नहीं नौरी, मुझे तो बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि खाला ने उसे मजबूर कर दिया हो ये मंगनी करने पर, और अगर जबरदस्ती की है तो तुम ऐसी उल्टी सीधी बातें मत सोचा करो। वो इतना मजबूर नहीं है, हो सकता तो खाला से समन की बात नहीं करता। वो इकलौता बेटा है तुम्हारी खाला का, उसकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। हाँ ये भी सोचती हूँ मैं, मगर तुम्हें पता है ना वहम तो आते रहते हैं। अब तुम ये फजूल बातें सोचना छोड़ो, अब मुझे ये दिखाओ इतना सब कुछ मिला है क्या क्या है। दिखाओ कौन कौन से कपड़े आए। नहीं ये तो मैंने खोला भी नहीं है अभी तक। चलो ना खोल के देखते हैं। देखो जरा कितने महंगे तोहफे लेकर आए हैं भाई, क्या जरूरत थी इन सब चीजों की। हाँ वो ले आए तो मैं कैसे मना कर सकता, और आप तो जानती हैं कि आजर लोग कितने अमीर हैं, और खास तौर से आजर बहुत ही खुले दिल का मालिक। बड़े ही अच्छे लोग हैं दोनों मियाँ बीवी, सालिया तो बड़ी सादा सी बच्ची लगती है। जी अम्मी दोनों बहुत अच्छे हैं, मगर अम्मी मैं चाहता हूँ कि अभी आप इनको खाला जान के घर नहीं लेके जाइएगा। क्यों? अम्मी अभी तो सिर्फ मंगनी हुई है, मुझे नहीं अच्छा लगेगा कि मैं अपने दोस्त और उसकी बीवी को खाला जान के घर लेकर जा रहा हूँ। कहे तो कोई बहाना कर दीजिएगा। हाँ मुनासिब नहीं है, अगर आफिया के मियाँ जिंदा होते या उनके घर में कोई बेटा होता तो दूसरी बात होती, औरतों वाला घर है एहतियात ही बेहतर है। इसलिए तो कह रहा हूँ, अब तो आजर का हमारे घर आना जाना लगा रहेगा, अगर वो पूछे तो बस कोई बहाना कर दीजिएगा। ठीक है। ये चीजें कहाँ से आई? खाला लेकर आई थी। क्या बात है, खाला अब रोज रोज इतने कीमती कपड़े लाएंगी? अरे नहीं, वो नहीं है फैसल के बिजनेस पार्टनर और उनकी बीवी, वो आए थे खाला की तरफ, उन्होंने भिजवाए हैं। बड़ा अच्छा टेस्ट है उसके बिजनेस पार्टनर उसकी बीवी का, काफी पैसे वाले लगते हैं। अब ये नहीं पूछा मैंने उनसे। तुम तो काफी खुश होगी ना? किस लिए? इतनी कीमती चीजें मिल रही है तुम्हें। समन कीमती चीजों का खुशी से क्या ताल्लुक है? मुझे ऐसी चीजें मिले ना मैं तो बहुत खुश हूँ। तो प्यारा सूट है ना? अच्छा आ जाओ, मैंने खाना लगा दिया, आज बिरयानी पकाई है मैंने, आ जाओ। यार मैं तो दो चार बार तुम्हारी तरफ से हो आया हूँ,
अब तुम भी हमारे घर आओ आंटी को लेकर। हाँ हाँ मैं अम्मी से पूछता हूँ फिर आता हूँ। किसी दिन क्यों, हफ्ते को आ जाओ? हफ्ते को यार दरअसल अम्मी जाती हैं खाला जान के घर, फिर भी पूछूंगा उनसे मैं। अच्छा मंगेतर से बात बात होती है? नहीं। क्यों नहीं? ऐसे ही यार। ऐसे ही तुम्हारा दिल नहीं चाहता उससे बात करने को, उसके घर जाने को, उसे देखने को? यार मेरी खालाजाद बहन है, बचपन से देख रहा हूँ उसको भाई मैं। ओ तो ये लव मैरिज नहीं है? नहीं नहीं भाई, बिल्कुल अरेंज है, मम्मी की ख्वाहिश थी, मैंने हाँ कर दी। ओ तुम्हें अच्छी लगती है? हाँ अच्छी है। इसे मुझे अंदाजा नहीं था फैसल कि तुम इतने अनरोमांटिक हो। God help that girl यार। तुम मुझसे ट्रीट नहीं लोगी? किस चीज की? किस चीज की? मेरी मंगनी की ऑफ कोर्स। मैंने सोचा अब तुम खुद ही कह दोगी तो फिर ठीक है, अब कह देती हूँ। लेट्स गो। नहीं आज कुछ काम है, आज नहीं जा सकती। क्या काम है यार? वो एमन की मंगनी हो गई है ना, तो उसी सिलसिले में घर में कुछ काम है। तुम्हारी बहन की मंगनी हो गई? यार बहुत बहुत मुबारक हो। किसके साथ मंगनी हुई? खाला के बेटे के साथ। ये वही लड़का है ना जो तुम में इंटरेस्टेड था? हाँ। तो आई थॉट कि तुम उससे शादी करोगी। क्यों, मैं क्यों उसके साथ शादी करूंगी? यार बिकॉज मतलब ही इज अ नाइस गाय, प्लस तुम्हें इतना पसंद भी तो करता था। व्हाटएवर, एज डिफरेंस है, फिर हमारे उसके स्टेटस में फर्क है। अगर स्टेटस में इतना फर्क है तो फिर तुम्हारी बहन ने उससे कैसे शादी कर ली? बहन की मर्जी थी, उसने कर ली शादी। खैर खाने का प्लान किसी और दिन करेंगे। तुमने बना लिया? या वो अम्मी कह रही थी कि आप लोगों का फ्रिज खराब हो गया। जी खराब है, आप आ जाइए। क्या हुआ? जी वो ऑन नहीं हो रहा था। ओ हाँ वो मुझे क्लास पेचकस मिल जाएगा? मैं अभी लाती हूँ। ये लीजिए। तो इसका तार ही निकला हुआ है। ओ वाह ये तो चल पड़ा, बहुत शुक्रिया। आप चाय पियेंगे? नहीं। शरबत? नहीं। पानी? नहीं। वैसे शुरू आपको पानी से करना चाहिए। खाला जान को सलाम दीजिए। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। कोई आया था क्या? हाँ पैसे लाए थे। अच्छा किस लिए? फ्रिज खराब है ना हमारा, वो ठीक करने आए थे। अंदर आए थे? कोई बात हुई क्या? नहीं तो। मुस्कुरा क्यों रही? मुस्कुरा रही? अच्छा नहीं मुझे नहीं पता। पैसे लाए थे तो मुझे बता देना था, मैं भी उनसे मिल लेती। मंगनी के बाद से मुलाकात ही नहीं हुई इनसे। ख्याल ही नहीं रहा। ख्याल नहीं रहा या जानबूझ के नहीं बता? जानबूझ के क्यों नहीं बताऊंगी समन,
मेरा मतलब है, मैं सोच रही थी कि शायद तुम्हें अभी भी अंदेशा हो मुझसे। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कहा ना, मेरे जहन में ही नहीं रहा। और वो आए थे 5-10 मिनट के लिए, फ्रिज की वायर ठीक करके चले गए। 5-10 मिनट भी बहुत ज्यादा होते हैं। खैर, चाय बना देना मुझे। आंटी, अभी काफी टाइम लगेगा सेट करने में। 2 महीने तो हुए हैं शिफ्ट हुए हुए यहाँ पे। माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत घर है। अल्लाह रहना नसीब करे। आमीन। प्लीज बैठे। लेकिन आंटी, घर जरा भी मेरी पसंद का नहीं है। मैं तो इनसे कह रही हूँ मुझे नया घर बनवा के दे। कह रहे हैं फैक्ट्री चल पड़ेगी तो बनवा दूंगा। आंटी देख रही हैं इन औरतों के नखरे, 2.5-3 करोड़ के घर में रखा हुआ है और उसे ये भी पसंद नहीं आ रहा। तो बेटा ठीक कहती है ना, अगर अल्लाह रिस्क देगा तो बनवा देना इसे एक और घर। मैं तो कहती हूँ कि औरत की किस्मत से ही रिस्क आता है। बिल्कुल यही बात मैं इनसे कहती हूँ, मानते ही नहीं। अच्छा अच्छा, बस करो, मेरे ख्याल अब खाना खाना चाहिए। कब तक बातों में लगे रहेंगे, भूख लग रही है। अच्छा मैं देखती हूँ। बेटा बच्चे कहाँ हैं? आज उनके स्कूल का ट्रिप था, उस पर गए हुए थे। अभी थके हुए वापस आए तो सो रहे हैं, वरना इस वक्त तक तो उनका तूफान मचा हुआ होता घर में। आइए खाना लग गया। आइए आंटी, आइए। ऐसे ही आपने तकल्लुफ किया भाई, ये आपका अपना है। आइए। यार फैसल, अब तुम ये बाइक बाइक छोड़ो और कोई गाड़ी ले लो। हाजम तक गाड़ी का अफोर्ड कर सकता हूँ? अफोर्ड क्यों नहीं कर सकते तुम? फैक्ट्री के एक्सपेंसेस में से डायरेक्टर गाड़ी ले सकता है। I'm sorry, मैं फजूल खर्चों पे नहीं। देखिए आंटी, कितना कंजूस है आपके बेटा। इस एज में आपको धक्के खिलवा रहा है बाइक पे, लेकिन गाड़ी नहीं ले सकता। फैसल भाई, बात तो ठीक कह रहे हैं। अरे नहीं बेटा, कौन सा मुझे रोज रोज जाना होता है इसके साथ। और आज़र मुझे गाड़ी भी नहीं चलाने आती। भाई एक बार गाड़ी घर में आ जाए तो ड्राइविंग खुद ही आ जाती है। बस मैं तुम्हें गाड़ी लेकर दे रहा हूँ। नहीं नहीं, ये नहीं करना। देखो ये गाड़ी मैं तुम्हें लेकर नहीं दे रहा हूँ, ये गाड़ी मैं आंटी के लिए ले रहा हूँ, और इस पर कोई बहस नहीं होगी। ठीक है? मैं बैठिए। भाई कितने अच्छे लोग हैं, और बहुत ही बड़ा दिल है आज़र का। जी अम्मी, इसीलिए तो मैंने पार्टनरशिप की है, वरना मैं क्यों बिजनेस करता उसके साथ। और देखो तुम्हें गाड़ी भी लेके दे रहा है। अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं गाड़ी ना लूँ, क्या जरूरत है खाम का खर्चा। कमाल है, क्यों ना लो भाई। माशाल्लाह में तुम्हारी शादी होने वाली है, एमन को फिर गाड़ी में लेके घूमना ना। देखो मेरी एमन की किस्मत कितनी अच्छी है, अभी घर में आई नहीं और गाड़ी भी मिल गई तुम्हें। वाह अम्मी वाह, हर चीज का सिरा आप उसी को दे दीजिए। देखो जिसके सर बांधना चाहिए सेहरा उसी के सर बांध रही हूँ। मैं तो ख्याल में कल जाके आफिया और एमन को बताऊंगी। मैं बिल्कुल मत कहिएगा, क्या पता आज़र अपना इरादा बदल दे, गाड़ी ना दे, बेइज्जती हो जाएगी। हाँ ये तो सही है, लेकिन मेरा दिल कहता है तुम्हें गाड़ी मिलेगी। अच्छा
अच्छा तो फैसल गाड़ी ले रहा है? एक दो बार तो गया है वो आजर के साथ गाड़ियां देखने। फिलहाल तो कोई छोटी सी सेकंड हैंड ले रहा है, लेकिन आजर ने कहा है कि जैसी फैक्ट्री शुरू हो जाएगी ना तो उसे नई गाड़ी दे के दो। माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई मैं तो कहती हूँ सारी बरकत मेरी बच्ची की वजह से। मैं फैसल को हमेशा कहती हूँ कि देख लो मेरी बेटी अभी घर आई नहीं है और रिजक बढ़ गया घर का। बस अल्लाह नजरे बद से बचा के रखे। भाई नजरे बद से बचने के लिए तो मैं हर जुमेरात सदका निकालती हूँ। मैंने तो सोचा भी नहीं था आपा कि मेरी बेटी की नसीब में गाड़ी भी हो। लो मैंने कब सोचा था कि हमारे पास गाड़ी होगी। पर देख लो अल्लाह ताला कैसे कैसे सबब बनाता है। वैसे बड़े अच्छे लोग हैं आजर और सालिया। मेरा तो जी चाहता है कि अगली दफा वो लोग आए ना तो उनको तुम्हारे पास लेकर आऊं मिलाने के लिए। हाँ तो ले आए ना, अपना घर है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन फैसल नहीं चाहता। क्यों पता नहीं, कुछ सोचा होगा उसने। छोड़ो गाड़ी आई ना तो चलेंगे सैर करने। पता है समन, फैसल गाड़ी ले रहा है। गाड़ी? हाँ आज खाला बता कर गई है। वो कैसे ले रहा है, इतने पैसे कहाँ से आए उसके पास? वो फैसल के बिजनेस पार्टनर्स है ना, उन्होंने इजाजत दे दिया गाड़ी खरीदने की। इरादा करने और खरीदने में बड़ा फर्क होता है। गाड़ी ले रहा है? नहीं नहीं, ये सब फैक्ट्री के पैसों में शामिल है। खाला बता रही थी कि फैसल ने 2-3 सेकंड हैंड गाड़ियां देख भी ली हैं। अच्छा, वैसे मुझे भी गाड़ियां बड़ी पसंद है। तुम्हें याद है इस साल के निकाह पे जब हम गए थे, मैंने तो मशवरा दिया था कि गाड़ी ले लें। हो सकता है उसी बात को याद रख के उन्होंने गाड़ी ले रहे। हाँ हो सकता है, पर खाला बता रही थी कि फैसल के बिजनेस पार्टनर ने इसलिए कहा है ताकि खाला को आने जाने में आसानी हो। खाला ने कहाँ जाना है? पता नहीं, वो तो बस कह रही थी। चलो भाई मुबारक हो तुम्हें, तुम्हारी होने वाली सास के लिए गाड़ी ले रहा है तुम्हारा होने वाला शौहर। वैसे ऐसी तैयारियां तो मैंने पहली बार सुनी है। बात ही बात में क्या जाने क्या बात हुई, से ना खुश मेरी तकदीर उसी रात हुई।